नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है स्टेज फोर यानी मेटास्टैटिक किडनी कैंसर का ट्रीटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किडनी कैंसर हमारी कंट्री का एक काफी कॉमन कैंसर है। साथ ही इस कैंसर का ट्रीटमेंट पिछले कुछ सालों में काफी चेंज हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से कुछ ही साल पहले इस कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, आज की इरा में उस कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए इन मॉडर्न ऑप्शंस के बारे में जानकारी जनरल पब्लिक तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि स्टेज फोर यानी मेटास्टैटिक किडनी कैंसर से हमारा मतलब क्या है। तो इन जनरल कोई भी कैंसर यदि किसी अंग में शुरू होता है, वो उस अंग से फैल के दूर दराज एरिया ऑफ बॉडी में चले जाए, तो उसको हम स्टेज फोर यानी मेटास्टैटिक कैंसर बोलते हैं। तो किडनी कैंसर के तात्पर्य में यदि हम बात करें तो ज्यादातर ये कैंसर किडनी से निकल के लिवर, फेफड़े यानी लंग्स, हड्डी यानी बोन और पेट के अंदर यानी अब्डोमन के अंदर, इन चार साइड्स पे फैलता है। इसके अलावा भी किडनी कैंसर अन्य जगहों पे फैल सकता है, जैसे कि ब्रेन, स्किन के नीचे इत्यादि, परंतु ये साइड्स कम कॉमन होती है। तो स्टेज फोर कैंसर में गौरतलब चीज ये है कि इनका इलाज काफी कठिन होता है। यदि किडनी कैंसर की बात करें तो स्टेज वन, स्टेज टू जैसे सिंपल ऑपरेशन से पक्की तरह से पूरी तरह से किडनी कैंसर को शरीर से खत्म कर सकते हैं, ऐसे ही स्टेज फोर में जड़ से इलाज थोड़ा कठिन होता है। तो एक सवाल जो मुझसे काफी कॉमनली मरीज पूछते हैं वो ये है कि क्या स्टेज फोर किडनी कैंसर का भी जड़ से यानी पक्का इलाज संभव है? तो इस सवाल का आंसर भी है कि हाँ, स्टेज फोर किडनी कैंसर में भी जड़ से पक्के इलाज की कोशिश की जा सकती है, परंतु इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोशिश बहुत सिलेक्टेड केसेस में की जा सकती है। यानी कि स्टेज फोर में भी जिन मरीजों में बीमारी बहुत ज्यादा नहीं फैली है, उनमें कोशिश की जा सकती है कुछ सिनेरियो में कि बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए, परंतु जिन मरीजों में पक्का इलाज संभव नहीं है, उनमें भी आज के इरा में बीमारी को एक क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म इलनेस की तरह लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कई साल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि स्टेज फोर किडनी कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो किडनी कैंसर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाननी जरूरी है कि ये दूसरे कैंसर से काफी डिफरेंट तरह का डिजीज है। ये बिहेव भी डिफरेंट तरीके से करता है और अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी से रिस्पॉन्ड भी डिफरेंट तरीके से करता है। तो जैसे कि हम कॉमनली ये मानते हैं और पब्लिक भी ये मानती है कि स्टेज फोर कैंसर में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, परंतु किडनी कैंसर एक डिफरेंट कैंसर है। इसमें देखा गया है कि कीमोथेरेपी का फायदा इस कैंसर में लगभग ना के बराबर ही है। तो यूजली जब किसी मरीज को किडनी कैंसर होता है तो उनको कीमोथेरेपी हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते और उसकी बजाय कुछ दूसरी मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो किडनी कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो आइए इन दोनों मोडालिटीज के बारे में बात करें। तो सबसे पहले टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी कैंसर को एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से मारने का नया तरीका है। टारगेटेड थेरेपी का मतलब है कि हम उन तरीकों के बारे में रिसर्च से पता करते हैं कि कैंसर का सेल और नॉर्मल सेल किस तरह से एक दूसरे से विभिन्न है, और सिर्फ वही ड्रग्स यूज करें जो कि कैंसर सेल में गड़बड़ी को टारगेट करे और नॉर्मल सेल में, चूंकि वो ये गड़बड़ी नहीं है, नॉर्मल सेल उन ड्रग के साइड इफेक्ट से पूरी तरह बच जाए। तो किडनी कैंसर के संदर्भ में टारगेटेड थेरेपी में हम एंटी एंजियोजेनिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी एंजियोजेनिक से क्या मतलब है? तो किसी भी ट्यूमर को यदि बॉडी में बढ़ना है या पनपना है तो उसे ब्लड सप्लाई की जरूरत है, क्योंकि बिना ब्लड सप्लाई के ट्यूमर को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज इत्यादि नहीं मिल सकता। तो ट्यूमर बॉडी में तरीके इजाद करते हैं ताकि उनको ब्लड सप्लाई करने के वेसल जनरेट हो, ताकि ट्यूमर तक ये सब्सटेंस पहुंच सके। तो टारगेटेड थेरेपी क्या करती है कि उन नए ब्लड वेसल्स को बनने से रोकती है, जिसकी वजह से ट्यूमर को भोजन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाती है और बीमारी इंप्रूव होती है। तो टारगेटेड थेरेपी किडनी कैंसर में एक बेहद
सेफ और इफेक्टिव तरीका है बीमारी को ट्रीट करने का। ज्यादा इसके साइड इफेक्ट सीरियस नहीं होते, यूजली पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट टॉलरेट होती है और फायदा भी काफी होता है। एक और बेनिफिट टारगेटेड थेरेपी का यह है कि इसकी ट्रीटमेंट जनरली गोलियों के रूप में होती है, जो कि पेशेंट को यूजली इंजेक्शन से कंपेयर ज्यादा प्रेफर होती है। देखा गया है कि किडनी कैंसर में टारगेटेड थेरेपी की मदद से मरीज कई साल तक अपना बीमारी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी जो कि किडनी कैंसर में इंपॉर्टेंट है वो है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में हमारे और वीडियोस अपलोडेड है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इम्यूनोथेरेपी के डिटेल्ड वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। पर मोटा मोटा बात करें तो इम्यूनोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने का एक नया नजरिया है। इम्यूनोथेरेपी मानता है कि कैंसर की बीमारी बॉडी और कैंसर सेल के बीच में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, और ये कोशिश करता है कि बॉडी का कैंसर पे कंट्रोल एक नेचुरल तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो इम्यूनोथेरेपी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स है जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ताकि वो खुद ही जाके कैंसर को अटैक करे और कैंसर को खत्म कर दे। तो ये एक बेहद नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है कैंसर के ट्रीटमेंट का। गौरतलब ये है कि बॉडी समझती है कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है, इसलिए इम्यूनोथेरेपी स्पेशली कैंसर सेल को जाके खत्म करती है और नॉर्मल सेल्स को छोड़ देती है। तो ये एक इम्यूनोथेरेपी का एक मेजर फायदा है कि बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है जो लंबा कंट्रोल दे सकती है बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स के साथ। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अलग अलग मरीजों में अलग अलग थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो क्या देखा गया है कि कुछ मरीज ऐसे हो गए जिनमें टारगेटेड थेरेपी से बहुत फायदा है परंतु इम्यूनोथेरेपी से थोड़ा कम फायदा होता है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी से ज्यादा फायदा है पर टारगेटेड थेरेपी से कम फायदा है, और कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की कॉम्बिनेशन या दो इम्यूनोथेरेपी की कॉम्बिनेशन का फायदा ज्यादा है। तो यहाँ पे एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि पेशेंट को टेस्ट करके या पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक देख के ये जज करेगी इस मरीज के लिए बेस्ट थेरेपी क्या है। अल्टीमेटली गोल हमेशा ये है कि जो थेरेपी पेशेंट को मैक्सिमम पॉसिबल फायदा दे मिनिमम पॉसिबल साइड इफेक्ट से, वही थेरेपी पेशेंट को देनी चाहिए। कोई थेरेपी जिससे फायदा होने का चांस कम ही है पर साइड इफेक्ट का चांस ज्यादा है वो थेरेपी अवॉइड की जानी चाहिए। तो एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ये जज कर सकता है कि स्टेज 4 कैंसर में किस पेशेंट को किस प्रकार की थेरेपी से मैक्सिमम फायदा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको किडनी कैंसर के बारे में कुछ यूजफुल जानकारी मिली है। अन्य बहुत सारे यूजफुल लिंक्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उनको क्लिक करके किडनी कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी पा सकते हैं। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज है जो कि इस वीडियो से आपकी सॉल्व नहीं हो पाई है तो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स इस समय स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप इन चैनल से आप हमको डायरेक्टली एक सवाल या क्वेरी पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सवालों का हम आंसर कर सके। साथ ही जैसे कि आपको आज ये वीडियो हमने प्रेजेंट किया है, हम बहुत सारे कैंसर्स के लेटेस्ट मॉडर्न इलाज के बारे में वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।